सभी मुरैना जिले वासियों को मेरा नमस्कार। आज के कोरोना कोविड-19 हेल्थ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज का अपडेट ये है कि हमारे जिले में एक और पॉजिटिव मरीज की वृद्धि हुई है। ये सुरेश बरेठा के फैमिली से ही हैं, इनके भाई के बेटे हैं जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। तो इसको लेके आज पूरे जिले में जो है 14 हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। इसके अलावा आज जो सैंपल्स आए हैं 42 सैंपल्स हमको वापस मिले हैं, उसमें से 41 नेगेटिव हैं और एक ही सैंपल पॉजिटिव आया है जो इनके बेटे का है। इसमें गौर करने वाली बात यही है कि इनके बेटे के सैंपल को जो है हम लोगों ने पहले भी लिया था और उसके बाद दोबारा जब हम लोगों ने सैम्पलिंग किया तो उनका पहले नेगेटिव आने के बाद दोबारा उनका पॉजिटिव आया है। तो इसीलिए मेरा समस्त शहरवासियों को और ख़ास करके वार्ड 47 के वासियों से मेरा निवेदन है कि जितने भी लोगों को हम लोगों ने नेगेटिव डिस्चार्ज करके होम में क्वारंटाइन किया है, बहुत ज़रूरी है कि वो आपस में ना मिले, अन्य घरों में नहीं जाए, वो अपने घरों में ही रहे और कंटेनमेंट एरिया के बाहर उनके जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कंटेनमेंट एरिया में जो अभी भी पुलिस तैनात है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जितने भी व्यक्तियों को हम लोगों ने नेगेटिव डिस्चार्ज किया है उन सभी का जो है हेल्थ चेकअप जो है समय समय पे हम लोग करते रहते हैं। और किसी का अगर हमको लगता है कि कुछ सिम्टम डेवलप होता है या कोई डाउट आता है या लैब से हमें सूचना मिलती है कि इनका दोबारा से रीसैम्पल कराना है, तो उन समस्त व्यक्तियों को जो है हम निर्देशन के हिसाब से जो है दोबारा से सैम्पलिंग करते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर केस में किया। तो सीखने वाली या गौर करने वाली बात यही है कि नेगेटिव का मतलब वो पूर्णतः स्वस्थ नहीं है। नेगेटिव का मतलब ये है कि वो संक्रमण के दायरे में आए थे लेकिन वो वायरस उस बॉडी में जो है कारगर तरीके से फैल नहीं पाया, लेकिन वो पूर्णतः स्वस्थ नहीं है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह है कि वो 14 दिन तक बिल्कुल अपने घर के अंदर रहे। प्रत्येक मनुष्य का शरीर और उसके अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसकी इम्यूनिटी अलग अलग होती है। जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर केस का विश्लेषण करें तो जो जगदीश बरेठा के बेटे का सुरेश बरेठा का आज आया है, उनका जब 3 दिन पहले हम लोगों ने सैंपल लिया था तो उस सैंपल में वायरस लोड कम था और उनका रिजल्ट जो है नेगेटिव आया, लेकिन दोबारा जब विशेषज्ञों की सलाह पर उनकी दोबारा सैंपलिंग की गई तो 2 दिन बाद उनका जो है सैंपल पॉजिटिव निकल के आया। मतलब पहले उनकी बॉडी उस वायरस से लड़ रही थी लेकिन अब जो है वो बॉडी वायरस से नहीं लड़ पाई और वायरस हावी हो गया और वो पॉजिटिव हो गए। तो इसी प्रकार जिले में जो 135 लोग हैं जिनका अभी रिपोर्ट नेगेटिव आया है, वो कृपा करके मेरी बात को गौर से सुने। हमारी हेल्थ टीम उनका लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, वो घर के अंदर रहे ताकि वो सुरक्षित रहे और समय समय पे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उनका दोबारा से सैम्पलिंग होगा। इसके अलावा वार्ड 47 में एक और चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वो कल से शुरू होगा। प्रत्येक फैमिली को जो है हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से साबुन का वितरण किया जाएगा ताकि वो बार बार उस साबुन को हाथ धोने में और अपने आप को साफ़ सुथरा रखने में यूज़ करें। दूसरा चीज़ है कि क्योंकि हमारा पूरा घर घर सर्वे कंप्लीट हो गया है वार्ड 47 में, हमारे पास वो लिस्ट निकल के आ गई है कितने ऐसे लोग हैं जो 60 से ऊपर हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनको बीपी है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन है, ऐसे कितने बच्चे हैं जो 10 साल से नीचे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनको लक्षण है सर्दी खांसी जुखाम के, और ऐसे कितने लोग हैं जो जगदीश बरेठा और सुरेश बरेठा और मोहम्मद सफ़ी के रिलेशन में डायरेक्टली आए हुए हैं। इन समस्त व्यक्तियों को जो है कल से मेडिसिन भी उपलब्ध कराया जाएगा, उनका डेफिनेट डोजेज होगा जो हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला जो है चिन्हित करके उसी व्यक्ति को वो दवाई दिया जाएगा ताकि वो दवाई वो एहतियात के रूप में ले और वो 3 सप्ताह का कोर्स रहेगा, उस दवाई का वो सेवन करे ताकि वो अपने आप को स्वस्थ कर सके और ये इस संक्रमण का फैलाव जो है वार्ड 47 के बाहर ना हो। मैं पुनः दोहरा रही हूं, दवाई स्वास्थ्य विभाग ने जो हाई रिस्क पेशेंट आइडेंटिफाई किए हैं
भले उनमें आज की डेट में कोरोना के लक्षण हो या ना हो, उनको दवाई देगा, उनको घर पे आके ही दवाई देगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और वो दवाई का सेवन आप लोगों को करना है। साबुन का वितरण समस्त वार्ड में, पूरे वार्ड में 47 के समस्त घरों में निःशुल्क किया जाएगा और दवाई भी निःशुल्क दी जाएगी, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके अलावा सैनिटाइजेशन जो है नियमित रूप से हो रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दें, वार्ड 47 के बाद जो चार चिन्हित वार्ड हम लोगों ने किया था, उसके बाद अभी धीरे धीरे ये सर्वे अन्य वार्ड शहर के अन्य जगह पे भी किया जा रहा है। और बीएमओ नूराबाद के ग्रामीण कुछ क्षेत्र में जो 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, और बीएमओ जौरा के कुछ ग्रामीण क्षेत्र में जो 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, उनका भी सर्वे कराया जा रहा है। जहां तक ग्रामीण इलाकों में कोरोना के फैलाव के रोकथाम के उपाय हैं, उसमें जो है ग्रामीण इलाकों में हमारे बीएमओ के द्वारा जो है रूरल सर्वे टीम्स काम कर रही है। बीएमओ रूरल सर्वेलेंस करा रहे हैं। जितने भी बाहर से आए मजदूर हैं, उनका प्रायोरिटी पे जो है हम लोग चेकअप कर रहे हैं। दो चीज पे विशेष गौर हम कर रहे हैं। रीसेंट दिनों में, हाल ही के कुछ दिनों में, अगर वो व्यक्ति दिल्ली से आया हुआ है, तो उसका जैसे ही हमको जानकारी मिल रही है या पुलिस को जानकारी मिल रही है, उनका हम सैंपल कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। और जो लोग इंदौर से आए हैं उनका भी, क्योंकि इंदौर बहुत बड़ा मध्य प्रदेश के अंदर हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो अगर कोई मजदूर वर्ग या कोई व्यक्ति इंदौर से भी रीसेंट पास्ट में आया हुआ है, उसकी सूचना मिलने पर भी स्वास्थ्य विभाग जो है उनका स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, इलाज कर रहे हैं, और जरूरत पड़े तो उसकी सैंपलिंग्स किया जा रहा है। जो हमारे ये पहले के 13 मरीज हैं, इनका जो है स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ठीक है। जो हमारे चौथे मरीज हैं, उनको शीघ्र ही जिला अस्पताल में ले जाके उनका उपचार पुनः चालू किया जाएगा, और उनके समस्त परिवार वालों का दोबारा से जो है सैंपल लिया जाएगा एहतियात के स्वरूप। और ये निरंतर प्रक्रिया रहेगा कि जितने लोग हमारे संपर्क में आ रहे हैं और जिनका सैंपलिंग हो रहा है, उनका बार बार सैंपल लिया जाकर इसकी पुष्टि करते रहेंगे, ताकि इसका फैलाव जो है वार्ड 47 के बाहर ना हो। अभी तक हमारे लिए राहत का बात यही है कि ये बीमारी जो है वार्ड 47 के बाहर, यद्यपि 14 पेशेंट है, लेकिन इस वार्ड के बाहर नहीं गया है। ग्रामीण इलाके में भी साबुन का वितरण हमारे ग्राम पंचायतों के माध्यम से शुरू किया गया है। मेरे पास जो खबर है, कुछ कैलारस के क्षेत्र में और पहाड़गढ़ के क्षेत्र में साबुन का वितरण का कार्य आज ही से शुरू हो गया है, और बाकी जनपदों में कल से साबुन वितरण का काम शुरू हो जाएगा। ये साबुन भी प्रत्येक ऐसे वर्ग को दिया जा रहा है जो बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, बाहर से आए हुए मजदूर हैं, इनके पूरे परिवार के लिए साबुन का इंतजाम किया जा रहा है। आप सभी अपना ध्यान रखें, लॉकडाउन का पालन सख्ती से करें और घर से बाहर नहीं जाएं। खतरा जो है टला नहीं है। हम लोगों को हर दिन नए परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कल हमारे लिए राहत भरी सांसें थी कि एक भी पेशेंट पॉजिटिव नहीं था और 30 पेशेंटों का रिजल्ट नेगेटिव आया, लेकिन आज हम लोगों के लिए फिर से चुनौती है कि एक पेशेंट फिर से पॉजिटिव आया है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और हमारी मदद करें, ताकि हम आपका मदद कर सकें। धन्यवाद।